हेलो एवरीवन, मैं हूँ फोक्सवैगन इंडिया के इवेंट में यहाँ जयपुर में, और यहाँ पे उन्होंने दिखाई हैं चार गाड़ियाँ। जी हाँ, तीन एक एडिशन्स हैं लेकिन एक बहुत स्पेशल गाड़ी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ चारों क्या आया है नया, जल्दी से दिखाते हैं इस वीडियो में आपको। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है आप सबके लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार गाड़ियाँ VW ने दिखाई है, पहली गाड़ी जो दिखाई है वो है वर्टस GT प्लस स्पोर्ट, जो अभी कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है, रेडी लग रही है बट अभी कॉन्सेप्ट में है, और साल के एंड में हमें दिखाई जाएगी या मार्केट में उतारी जाएगी। और बीच में आपको दिखाई है VW ID.4 जो इलेक्ट्रिक है, बट वो सिर्फ शोकेस है। अभी आएगी, कब आएगी कुछ नहीं बताया, शायद 2025 में आएगी या 24 में ही, जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव प्लान्स है उसके साथ उतार दी जाएगी, वो देखना है। और साथ में दिखाई है टाइगुन GT Line, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको जो कह रहे हैं VW अपडेट है वो है टाइगुन GT प्लस स्पोर्ट। अब GT इतना ज़्यादा हो चुका है कि VW ने यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर ही लगा दिया है कि GT प्लस GT, GT प्लस GT लाइन, GTH कलेक्शन। तो कस्टमर को कितनी कन्फ्यूजन होने वाली है वो तो हम मान ही सकते हैं, क्योंकि एज जर्नलिस्ट हमें इतनी कन्फ्यूजन हो रही है कि GT इतने सारे क्यों उतार दिए हैं, कोई 1.5 में, कोई 1 लीटर में, कोई एच कलेक्शन है, क्या क्या है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स प्लस है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाली स्ट्रक्चर पे, बट ऐसा होने वाला है कि जैसे 1000 दिए तो ये एडिशन ले ली, कुछ 1000 और दिए तो हर थोड़े 1000 लाख रुपए में आपको एक नया एडिशन मिल जाएगा। बट आई फील ये बहुत कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर हो चुका है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि आपको कौन सी GT फ्रॉम VW लेनी चाहिए। बट आप जल्दी से आपको एक एक गाड़ी दिखा देते हैं। सो, सबसे पहली गाड़ी आपको दिखा देते हैं, ये है टाइगुन GT प्लस स्पोर्ट। जी हाँ, ये गाड़ी अब अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं करे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है वर्टस GT स्पोर्ट्स प्लस की तरह। इसके अंदर भी आपको सिमिलरली GT रेड बैजिंग दिख जाती है, यहाँ पे ब्लैक आउट ग्रिल, ब्लैक आउट स्मोक्ड लैम्प्स, यहाँ पे पूरा ब्लैक आउट बम्पर, और साथ में जो एलिमेंट्स हैं उसको और स्पोर्टी बनाने के लिए काफ़ी कुछ, जैसे कि VW का लोगो थोड़ा सा ब्लैक आउट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है। साइड पे भी सिमिलरली आपको मिल जाता है वहाँ पे ब्लैक आउट विद GT रेड बैजिंग, ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स। जल्दी से आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से गाड़ी कैसी दिखती है। तो फ्रंट की तरह पीछे भी आपको यहाँ पे ब्लैक आउट लाइट्स मिल जाती हैं, ब्लैक आउट बैजिंग मिल जाती है, GT रेड बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे डिफ्यूज़र मिल जाता है, पियानो ब्लैक बम्पर पे फिनिश मिल जाती है। आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना ब्लैक आउट है, रूफ रेल ब्लैक आउट है, और यहाँ पे जो स्पॉयलर है इंटीग्रेटेड उसके साथ आपको ब्रेक लाइट रेड मिल जाती है। साइड पे मैंने आपको बताई दिया ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। अंदर भी बहुत बदलाव है, जल्दी से आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइटिंग मिल जाती है, एम्बिएंट जो GT फील देती है, पूरा यहाँ पे नया फिनिश मिल जाता है पियानो ब्लैक के साथ, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट है, साथ में आपको ये रेड स्टिचिंग वाले सीट कवर्स, GT बैजिंग ऑन द सीट कवर्स, ये सब ब्लैक आउट मिल जाता है, रूफ लाइनिंग, ग्रैब हैंडल्स, काफ़ी और स्पोर्टी फील देता है। यहाँ पे बस GT बैज मिसिंग है जो हमें कॉन्सेप्ट वर्टस में दिखा था, तो यहाँ पे स्टेयरिंग में GT बैजिंग मिसिंग लग रही है। बाकी ओवरऑल बिकॉज इट्स ऑल ब्लैक आउट तो काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है गाड़ी। बाकी देखते हैं मार्केट में जब ये उतारते हैं प्राइसिंग क्या रखते हैं इस गाड़ी के, और प्राइसिंग में डिपेंड करेगा कि कितना इंटरेस्ट बायर्स लेते हैं इस गाड़ी के लिए। तो जैसे टाइगुन 1.5 इंजन ऑप्शन वाले ओनर्स को मिल जाता है GT स्पोर्ट्स प्लस ऑप्शन, 1 लीटर इंजन वालों को भी मिल जाता है GT लाइन ऑप्शन। इसमें भी सिमिलर बदलाव है आपको मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक आउट ग्रिल, स्मोक्ड लैम्प्स, ब्लैक आगे से ब्लैक डॉट पूरा बम्पर मिल जाता है, विंगलेट्स मिल जाते हैं। साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है, ब्लैक आउट यहाँ पे आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं, पूरा विंडो पेन यहाँ पे ब्लैक आउट है, रूफ रेल्स ब्लैक आउट है, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं डोर हैंडल पे, 17 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जैसे मिसिंग लगेंगी कि वो जो रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो रियर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको रियर जो लैम्प्स हैं मिल जाते हैं ब्लैक आउट, टाइगुन की जो बैजिंग है वो ब्लैक आउट है, TSI, साथ में GT लाइन का यहाँ पे बैज मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज़र मिल जाता है बम्पर पे, ये भी ब्लैक आउट मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। अब जल्दी से दिखाते हैं आपको इंटीरियर में क्या क्या फ़र्क है। तो GT लाइन में भी आपको काफ़ी कुछ नया मिलता है, जैसे कि यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाता है स्पोर्टी करने के लिए, रेड एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो यहाँ पे स्टिचिंग है, सीट का फैब्रिक है वो मिक्स है लेदराइट और फैब्रिक का, वो थोड़ा सा अच्छा है। आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाता है, बट यही है कुछ लिमिटेड चेंजेस, जैसे कि ये पूरा रूफ लाइनिंग ब्लैक है, यहाँ पे ये ब्लैक आउट है, ये भी ब्लैक आउट है, हैंड रेल्स भी ब्लैक आउट है।
तो उसको और स्पोर्टी बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों को ब्लैक्ड आउट किया गया है, बट अगर एक्चुअल बदलाव आप देखेंगे वो तो आपको GT Plus Sports वर्जन में ही दिखेगा जो 1.5 लीटर पे बेस्ड है। तो ये है Virtus GT Plus Sport मॉडल और ये है अभी एक कॉन्सेप्ट स्टेज कार, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इंतजार मुझे इसी गाड़ी का रहने वाला है, बिकॉज Virtus पहले ही वन ऑफ द सेक्सीएस्ट स्पोर्टीएस्ट लुकिंग सेडान्स है मार्केट में। तो क्या क्या है बदलाव, सबसे पहले रेड GT बैजिंग मिल जाती है इस गाड़ी को भी, और जो आपको फ्रंट ग्रिल पे, साइड पे और पीछे मिलती है, साथ में काफ़ी सारे स्पोर्टी ब्लैक एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। एक तो स्मोक हेडलैम्प्स कर दिए गए हैं, ये पूरा ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे विंगलेट्स दे दिए गए हैं इसको और एरो डिज़ाइन, स्पोर्टी डिज़ाइन देने के लिए। यहाँ पे भी ब्लैक फेंडर बैजिंग है और साथ में GT रेड है, ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स है, रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं, जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो भी ब्लैक्ड आउट है, रूफ ब्लैक्ड आउट है, शार्क फिन एंटीना ब्लैक्ड आउट है, और साथ में पूरा यहाँ पे जहाँ पे क्रोम होता था पूरा ब्लैकआउट किया गया है, यहाँ पे भी आपको क्रोम एलिमेंट्स दिखेंगे और साथ पे पूरी स्कर्टिंग भी ब्लैक कर दी गई है, और रेड ब्रेक कैलिपर्स तो कुछ ज़्यादा ही स्पोर्टी विद द GT रेड बैजिंग लग रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे और भी ज़्यादा स्पोर्टी अनाउंसमेंट आपको देखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगाया गया है स्पॉइलर, बूट लिप स्पॉइलर, ब्लैक कलर का एकदम कार्बन फाइबर जैसी स्पोर्टी फिनिश दे रहा है, पूरी बैजिंग ब्लैक हो गई है Virtus की, लोगो की, यहाँ पे GT रेड बैजिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र दे गया बम्पर पे, वो भी ब्लैक कलर का है, स्मोक्ड आउट पीछे के टेल लैम्प्स हैं। तो जैसे बाहर आपको रेड और ब्लैक एलिमेंट्स दिखते हैं, इंटीरियर में भी बिल्कुल वैसे ही हो गए। यहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे रेड लाइनिंग, पूरे में रेड एम्बिएंट लाइटिंग है, काफ़ी पियानो ब्लैक और मिक्स ऑफ ब्लैक की फिनिश दिखेंगी, सीट्स काफ़ी नई स्पोर्टी और ब्लैक हैं, तो इंटीरियर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। बट जैसे कि आपको बताया है VW कह रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट कार है, शायद इंटीरियर में और अनाउंसमेंट्स हों, एक्सटीरियर में और अनाउंसमेंट हो, तो वो टाइम के साथ पता चलेगा दिवाली के आसपास। वो आपको दिखाते हैं बाकी गाड़ियों के बारे में, तीन गाड़ियां आपको दिखा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो VW आज लेके आया है वो है ID.4, फर्स्ट टाइम शोकेस की गई है इंडिया में। ये ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल था Volkswagen ग्रुप की तरफ से। तो ये जो गाड़ी है ये इंडिया में उतारी जाने वाली है, इसका हमें ग्लिम्स दे दिया गया है, और एक खास फीचर इसका ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा है, इसके अंदर इनबिल्ट ChatGPT मिल जाता है आपको, तो जो आपका वॉइस असिस्टेंट होता है वो ChatGPT एनेबल्ड है। तो ये गाड़ी कब आती है इंडिया में उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या खास है ID.4 में, जल्दी से आपको वॉक अराउंड करा देते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कनेक्टेड यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाती हैं, VW का ID का जो बैजिंग है वो वाइट कलर से है, जहाँ पे हम अभी तक ब्लैक्ड आउट देख रहे थे यहाँ पे सब कुछ वाइट कलर से है। ID.4 एक इनका जो नया नाम नोमेनक्लेचर है, ID.4, ID.5, ID.7, तो ये बिल्कुल नई जनरेशन ऑफ व्हीकल्स हैं, तो इनका नाम भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ID.4 मिल जाता है, थोड़ी सी आपको स्पोर्ट्स कूपे टाइप इसका डिज़ाइन लगेगा साइड से आप देखेंगे, लाइटिंग काफ़ी डिस्टिंक्टिव है जो अभी तक VW में देखने को नहीं मिलती है। बम्पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पे आपको जो मिल जाता है, तो काफ़ी डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन है, आज तक जो भी VW कार्स इंडिया में आती हैं उनसे काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, बिकॉज अगेन कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म, कम्प्लीटली न्यू व्हीकल। इसका जरा सा बूट खोल के भी आपको दिखा देते हैं कि कितना बड़ा आपको इसके अंदर बूट मिल जाता है, बिकॉज यही फ़ायदा होता है बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि वहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से की जा सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक केबल, चार्जिंग केबल रखने के लिए भी अलग से जगह बनाई हुई है, उसके नीचे आप एक और बार इसको खोल सकते हैं, यहाँ पे टूल किट मिल जाता है, तो काफ़ी स्पेस है इसकी बूट में भी, और यहाँ से भी आप ऑटोमेटिक इसको क्लोज कर सकते हैं। तो साइड डिज़ाइन से आप देख सकते हैं क्या स्पोर्ट्स SUV कूपे स्टाइलिंग है इसकी, 19 इंच के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो एरोडायनेमिक एलॉय व्हील्स हैं, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर SUV वाली ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी बहुत यूनिक है, अंदर ही बटन है यहाँ पे, अब ऊपर नहीं कर सकते इसको, यहाँ से दबाएंगे तो अंदर ही दबता है और अंदर से ही बंद हो जाता है। मैं इस स्लोपिंग रूफ लाइन की बात कर रहा था जो इसको स्पोर्ट्स कूपे डिज़ाइन देती है। तो इसका कंपटीशन क्या आयोनिक 5 की या EV6 और BYD की गाड़ियां होने वाली हैं वो हम देखेंगे कि इसकी प्राइसिंग कैसी रखी जाती है। अगेन लॉट विल डिपेंड ऑन द प्राइसिंग, बिकॉज अगर ये 40-50 लाख की गाड़ी उतारी जाती है तो काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन इज रियली टफ विद आयोनिक 5 एंड किया EV6। तो ये है फ्रंट डिज़ाइन VW ID.4 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर का लोगो मिल जाता है, कनेक्टेड आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, काफ़ी सा बड़ा साइज का फ्रंट फेशिया है, नीचे जाके आपको कुछ एयर फ्लो के लिए ग्रिल मिलती है, बट बाकी सब बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे बंद हो सकता है, और वैसे ही इसको रखा गया फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए। और आपको यहाँ पे कैमरास दिख रहे होंगे, वो ADAS आपको फीचर्स मिल जाएंगे, अब वो फीचर्स इंडिया में आते हैं नहीं, बट यहाँ पे वी कैन इजीली सी कि यहाँ पे ADAS रेडार्स और सेंसर्स कैमरास सब अवेलेबल है, और काफ़ी
स्पोर्टी आईडी लाइट के साथ ये आईडी 4 इंडियन मार्केट में उतारी जाएगी। तो वी आर वेटिंग कि क्या इसके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी और क्या क्या मॉडल्स इंडिया में आते हैं। तो ये है VW ID.4 का इंटीरियर, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आप देख सकते हैं पूरी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है, बड़ा सा आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर आपको चैट GPT जो मैं बता रहा था आपको मिल जाता है एज एन असिस्टेंट, और काफ़ी देखने में भी बहुत सुंदर है और फ्लूइड इसका आपको सिस्टम मिल जाता है। यहीं से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सीट के कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स और फैन, तो हर चीज़ का सिस्टम आपको यहीं से मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और बढ़िया सा डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाता है। आप डिफरेंट मोड्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल, और उसके जो ग्राफिक्स आते हैं वो भी बहुत ही सही यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। असिस्टेंस ऑप्शन, गाड़ी की सारी सेटिंग्स यहीं से आप कर सकते हैं, और जो आपको मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो छोटा सा स्पोर्टी सा मिलता है। और यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ब्रेक दबाई है गाड़ी थोड़ी सी एक्टिवेटेड सी हो गई, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं गाड़ी के साथ और उसके फीचर्स चेक कर सकते हैं। रेंज और वो सब इंडिया में कैसी आती है, कौन सी बैटरी कैपेसिटी के साथ आती है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी उतारी जाती है। बट ओवरऑल इसको देखिए, एर्गोनॉमिक सीट्स मिल जाती है यहाँ पे, और काफ़ी जो यूज़ ऑफ मटेरियल इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। आई थिंक इंडिया इज़ रेडी फॉर VW इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो जल्दी से जल्दी इसको भारत में उतारा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसकी कीमत क्या होगी भारतीय बाज़ार में, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर क्या क्या आपको फीचर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पार्क्ड खड़ी है, और इसकी क्या रेंज है इस टाइम पे 82% में 426 किलोमीटर ये चल सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर इट टू सी, और ड्राइव करने में बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चला के। बाकी आप देख सकते हैं इंटीरियर आई थिंक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तो इसका वॉइस असिस्टेंट है वो पूरे आपको आगे शीशे पे पूरी लाइन दिखती है, कुछ आप उसको कमांड देते हैं या कुछ करते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा लगता है, और बहुत ही जल्दी से वो पढ़ लेता है। तो ये लाइन काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करेगी, बैटरी कितनी है गाड़ी में, आप कौन सी गियर में चला रहे हैं, ड्राइव मोड पे हैं, किस पे हैं। जैसे ही मैंने ड्राइव मोड डाली तो ये पूरा ब्लू कलर का हो गया। वापस इसको अगर चेंज करते हैं, रिवर्स डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एकदम से ये पूरी लाइन आती है, तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है गाड़ी को। इंटीरियर पे ये पहली बार है कि पूरे में आपको जैसे एलेक्सा में एक वो दिखता है वैसा ही पूरी लाइन आ रही है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि काफ़ी कुछ इसमें फ्यूचरिस्टिक किया गया है, और रेंज भी आप देख सकते हैं कि 80% में 426 किलोमीटर ये चल सकती है, तो 100% में क्या बढ़िया रेंज देने वाली है ये गाड़ी। तो ये थी चार गाड़ियां जो VW ने आज दिखाई हैं, जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होने वाली हैं। इसका प्राइस भी अप्रैल में अनाउंस होगा, बट एक खास बात यह है कि ये गाड़ियां आपको जो GT लाइन और GT प्लस स्पोर्ट है वो ऑनलाइन ही मिलेगी, आप डीलरशिप पे जाके नहीं ले सकते, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो एक ये इसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है लोगों को कि हाँ ये ऑनलाइन मॉडल्स हैं, और इसके प्राइसिंग जैसे कि मैंने बोला कि अप्रैल में आपको पता लगेगा GT लाइन और GT प्लस स्पोर्ट्स का जो प्राइसिंग है फॉर टाइगुन। बट वर्टस GT स्पोर्ट्स जो एडिशन है वो साल के एंड में आएगा, और ID.4 का अभी कुछ अता पता नहीं है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये इवेंट, और कौन सी गाड़ी आपको लगी अच्छी, और कैसे लगे ये नए एडिशंस टाइगुन के। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ऑटोमोटिव ब्लॉग।